कोई पूछे कि मटका बिरयानी या वेज बिरयानी कैसे बनता है, तो आप लोग सोचोगे कि यार बनाने में पहले राइस पकाओ या राइस को हाफ ब्राउन करके और भाजी में डालो, पर ऐसा कुछ नहीं। मैं आप लोगों को दिखाने वाला एकदम पूरा सिंपल सबसे रेसिपी है जो कि आप आसानी से घर में बना सकते हो, वेज बिरयानी जिसको बोलते हैं, आप बोल भी सकते हो मटका बिरयानी, क्योंकि मैं मटका में दे रहा हूँ तो मटका भी क्वांटिटी देखना, और एक हांडी होता है, हांडी का भी क्वांटिटी अलग होता है, ठीक है। तो देखने में जो लुक रहता है ना मटके का वो अलग ही रहता है, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी जल्दी, हम बनाते हैं वेज बिरयानी, और वेज बिरयानी में क्या क्या जाएगा आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले से मेरे पास ग्रेवी ऑलरेडी रेडी है, और राइस तो आप लोगों को दिखाया है कि राइस कैसे पकाते हैं, और ग्रेवी का भी आप लोगों को रेसिपी दिखाया है ऑनियन ग्रेवी का, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, उसमें डालते हैं हम पहले नंबर क्या सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, जल्दी आ जाइए। ये हमारा बेबी कॉर्न, और बेबी कॉर्न को अच्छे से कटिंग करना है, एकदम पूरा पूरा क्यूब में या डाइस में कटिंग बोल सकते हो, ठीक। उसके बाद में हम लेंगे पनीर, पनीर को भी डाइस में ही कटिंग करेंगे। उसके बाद में हमारे को डाइस में कटिंग करने के बाद में हम लेंगे 3 बेल पेपर, जिसको बोलते हैं रेड, येलो और ग्रीन, मतलब हरा, पीला और लाल कैप्सिकम लेंगे, सेम उसको भी डाइस कटिंग करना है। ये हमारा बीन्स बॉयल ऑलरेडी है और इसमें ग्रीन पीस है, उसके बाद में ये रेड येलो है, और आपको इसको कटिंग कैसा करना है आप खुद पे खुद देख लो। इसको भी डाइस में ही कटिंग करना है, छोटा छोटा डाइस में, यानी कि बड़ा बड़ा बिग साइज में, स्मॉल साइज में आपको कटिंग करना है। और ये हमारा लाल कटिंग कर लिया, अब लेंगे मैं पीला, तो पीला का भी सेम टू सेम आपको ऐसा ही कटिंग कर लेना, और जब पीला कटिंग हो जाएगा तो हरा को भी सेम टू सेम आपको कटिंग करना है, क्योंकि बिरयानी का जो मतलब होता है, जो इसके पास पूरा इंग्रेडिएंट्स रहेगा, पूरा भाजी नहीं रहेगा, तो बिरयानी खा के कुछ आपको मतलब नहीं रहेगा, ओके। आप सोचोगे कि इसमें मशरूम क्यों नहीं डाला, तो सर हमारे गेस्ट को मशरूम नहीं चाहिए था, अगर चाहो तो इसमें मशरूम आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद में हम डीप फ्राई कर लेंगे पहले कैप्सिकम, उसके बाद में पनीर और बेबी कॉर्न को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास काजू है, काजू का भी फ्राई करना है, अगर आप चाहो तो कच्चा भी काजू को भी डाल सकते हो, पर फ्राई करने का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है खाने में, तो आप लोग इस बात को ध्यान देना। अब उसके बाद में हम मारते हैं तड़का बिरयानी का, तो पहले हमारा चॉप मसाला है, उसके बाद में बटर डाला, बटर डालने के बाद में जो भी है डालने के बाद में जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी अपने को डालना है, क्योंकि अब भी डालोगे तो ही जाकर टेस्ट मिलेगा, क्योंकि अदरक लहसुन नहीं रहेगा तो बिरयानी का टेस्ट जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम डालेंगे नमक, उसके बाद में किचन किंग, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, डेंगू चिली पाउडर, उसके बाद में आप बस यही, बस इतना ही मसाला, और क्या इसमें ज़्यादा मसाला जाएगा। उसके बाद में दही डालेंगे, दही डालने के बाद में अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा टोस्ट रोस्ट करेंगे। उसके बाद में आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ डालना है और आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जो हमारा भाजी है पहले बीन्स और ग्रीन पीस डाल देंगे, उसके बाद में हम स्टॉक वाटर यूज़ करेंगे, जिसको बोलते हैं पानी। अगर आपके पास स्टॉक वाटर नहीं रहेगा तो आप नॉर्मल भी पानी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है स्टॉक वाटर, लेकिन स्टॉक वाटर रहता है तो मज़ा आता है। ये जो मैंने अभी डाला ये ऑनियन ग्रेवी है, जैसा प्याज की ग्रेवी बोलते हैं ना, येलो ग्रेवी कोई बोलते हैं, तो वो डालना है। उसके बाद में हम डालेंगे जो हमारा बेबी कॉर्न, 3 बेल पेपर्स और पनीर और काजू है, सब इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद में राइस डाल देंगे, क्योंकि मेरा कैमरा ख़राब हो गया था, राइस आपको दिखा नहीं पाया, तो राइस ऊपर से ही डालना है। उसके बाद में रोजाटा मारना है, ऊपर से घी मारना है, उसके बाद में जो हमारा प्याज वाला फ्राई रहता है ना, जो ब्राउन फ्राई रहता है, वो ऐड करना है। ये मेरा घी हो गया, अब इसके ऊपर डालेंगे ये मिंट है, मिंट किसको बोलते हैं, पुदीने का जो बोलते हैं पुदीना। ये हमारा प्याज है जो कि एकदम पूरा ब्राउन तेल में तल के रखा था, आपको इसका भी रेसिपी दिखा दूँ कैसे होता है। ये हमारा मटका है, नीचे रखा है मैं केले का पत्ता, ऊपर से मैं डालूंगा बिरयानी। और देखो डालने में भी, जब भी मैं इसके अंदर डाला तो देखने में कितना इसका लुक अच्छा लग रहा है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि खाने से भी ज़्यादा ना देखने में जो चीज़ अच्छा लग जाता है ना, वो खाने का मज़ा और रहता है। तो ये बात को ध्यान देना कि कोई भी अपने होटल में आप लोग कुछ भी करते हो, घर में कुछ भी करते हो, एक बार गार्निशिंग करोगे ना तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो ये मेरा बिरयानी एक्चुअली रेडी हो गया, अगर चाहो तो आप घर में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ऊपर से गार्निशिंग में रेड येलो वही डाल दिया मैं जो फ्राई किया था। वीडियो अच्छी तो लाइक सब्सक्राइब करना, चलो बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।